खराब हुआ उसका क्या चलेगा? जी सर, ये मकान इनका, मकान का भी दिला देंगे, जो सामान इनका नुकसान हुआ ना उसका भी दिला दे। आप अपनी तरफ से तो बना के दे देना किसका कितना कितना नुकसान हुआ, और मैं उसको बोल दूंगा SDM को एक बार इनकी वो कर दो। हमारे जो हर जगह जहाँ भी दिक्कत आई है बाढ़ की, जिस भी गाँव में या जिस भी कॉलोनी में, हर जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और मैं अभी आज ये मोटुका में आया हूँ। यहाँ भी 150-200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो खाने की भी व्यवस्था गुरुद्वारे से हो रही है, सरकार भी उनकी मदद कर रही है। अभी मैं अरुआ में भी होकर आया हूँ, वहाँ भी 350 के करीब लोग रह रहे हैं, उनका भी खाने का तीनों टाइम प्रबंध किया गया है। और हेल्थ के लिए अगर डॉक्टर की बात करें तो 24 घंटे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध है, और दवाइयाँ भी उनको दी जा रही हैं, और आगे भी कोई दिक्कत आएगी उसके लिए सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे अधिकारी हमेशा उनके साथ खड़े हैं। फसलों का नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई होगी, उनका मुआवजा मिला, उनको मुआवजा दिया जाएगा। घर में अगर कोई नुकसान हुआ है उसके लिए भी उनको अलग से मुआवजा दिया जाएगा, और उनके कोई सामान, कोई अगर कोई घर के सामान के कोई बहा या कोई नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई उनको की जाएगी। राजेश जी, अक्सर हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने पूरे निर्देश दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, फॉगिंग के लिए भी बोल दिया गया कल हुई है और आगे भी फॉगिंग होगी। और हमारे डॉक्टर जो हमारे CM है उनसे लगातार हमारी बात चल रही है, क्योंकि कोई भी बात होती है तो डॉक्टर उपलब्ध किया जाए और मेडिकल एड उनको दी जाए, तो उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है, और जो भी आगे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत उसके लिए सर क्या चारे के लिए मैंने SDM से बात कर ली है कि चारा कहीं से भी अरेंज करा के उनको दिया जाए। और बनाई प्लॉट की बात, उसके लिए सरपंच से रेजोल्यूशन मांगा गया है, और उसको हम आगे CM साहब के आगे रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनको जगह दी जाए रहने के लिए।